आज आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा, दुनिया में सारे लोगों के पास मौका होते हुए भी सारे लोग चैंपियन क्यों नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो इस दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपके दिमाग में सवाल आता है और कभी आपको कोई दुनिया में सवाल करता है, अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज आपको दिलवाया जाए, क्या गारंटी है कि आप भी चैंपियन बन सकते हो, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो, आप भी इतिहास रचा सकते हो? क्या गारंटी है? लेकिन ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, इट इज ओनली बिकॉज वन पॉइंट, बिकॉज ऑल पीपल आर नॉट विलिंग टू चेंज। और चेंज इज द ओनली कंस्टेंट इन दिस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड। 10 साल पहले जो लाइफ आपके पास थी आज चेंज हो चुका है, हर चीज में बदलाव आया है, लेकिन आप कब बदलोगे? और इस बिजनेस में सारे लोग, जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, बिजनेस को पोटेंशियल देखते हैं, बिजनेस में जुड़ जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इट इज ओनली बिकॉज एवरीबॉडी इज नॉट विलिंग फॉर ए चेंज। कुछ सवाल मैं आज आपको पूछूंगा। आज दुनिया में हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं हमारे बच्चे हैं, जिसको हम जबरदस्त एजुकेशन देना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, कि आज पैसों के कारण हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है हमारी लाइफ में? आज आप परिवार देखोगे जहां पे सिंगल अर्निंग फैमिली होता है, जो परिवार में एक मुखिया पैसा कमाता है, और कुछ ऐसे फैमिली देखोगे जहां पे ड्यूअल इनकम फैमिलीज देखोगे, जहां पे दो लोग पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं। आपने देखा? नहीं देखा, राइट? पति अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, पत्नी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, बच्चे नेग्लेक्टेड होते हैं। क्या ऐसा फैमिली लाइफ आप लोगों को चाहिए? आज की डेट में अगर एवरेज इंडियन लोगों की अगर इनकम की ग्रोथ देखा जाए, हर साल अगर 5-7% का ग्रोथ होता है, 10 साल में हार्ड इनकम डबल होता है लोगों का, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाता है, सारे खर्चे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वहीं के वहीं हम पीछे रह जाते हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है? अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर क्या करें? आज की डेट में आप कहीं पे भी जाओ, फैमिली, बच्चे, बीबी को, सारे लोगों को लेके आप कहीं पे भी जाओ, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई एयर फेयर, कोई ट्रेन फेयर, भाव बढ़ता जाता है। जो खुशी हम डिजर्व करते हैं और जो खुशी हमारी फैमिली डिजर्व करता है, क्यों वो सारी चीज हम दे पा रहे हैं? क्या ये भी एक्सेप्टेबल है आज? फ्रेंड्स, ये सारी चीज आज हमारी लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी हम खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हम खुद आज चेंज करने के लिए तैयार नहीं है? ये सवाल आज खुद आप खुद को पूछ सकते हो। अगर ये सारी चीज आपकी लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके परिवार को आप सबसे दुनिया का खुशी दे सकते हो, देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो, अगर आज भी आप स्ट्रगल करते हो, देन आज भी सोचो माय डियर फ्रेंड, क्या ऐसा लाइफ मुझे हर वक्त एक्सेप्टेबल है? क्या ऐसा लाइफ मुझे मंजूर है जहां पे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, लाइफ में खुशी नहीं है? और क्या ऐसा लाइफ हमको एक्सेप्टेबल है हर टाइम, जहां पे हमको ना परिवार से कुछ इज्जत, ना दोस्तों से कुछ इज्जत, ना अपने पड़ोसी से कोई इज्जत, ना दुनिया से कोई इज्जत मिले? क्या ऐसा लाइफ एक्सेप्टेबल है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आप खुद को कर सकते हो। दुनिया में सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन गारंटी नहीं कि हर कोई इंसान चैंपियन बन सकता है, हर कोई इंसान सक्सेसफुल बनता है, क्योंकि हर कोई इंसान बदलने के लिए तैयार नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल विलिंग टू चेंज। अगर आप चेंज होने के लिए तैयार होते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं होता है जो आपको चैंपियन बनने से रोक सकता है, सक्सेसफुल बनने में रोक सकता है। हम देखते हैं लोगों को, जो लोग इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, हम भी चाहते हैं हम भी सक्सेसफुल बने, लेकिन फिर भी हम हो नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। आज की डेट में अगर हर सिचुएशन हमको एक्सेप्टेबल नहीं है तो सबसे बड़ा चीज हमको क्या चाहिए? अगर आप चेंज होने के लिए तैयार हो माय डियर फ्रेंड, देन आई कैन गिव यू गारंटी, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के अंदर आप भी कुछ दुनिया में बन सकते हो। आज मैं बताऊंगा माय डियर फ्रेंड, मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्यों कुछ लोग पैसा कमाते हैं, क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्यों कुछ लोग आज हर साल फॉरेन ट्रिप में जाते हैं, क्यों कुछ लोगों के पास बहुत कॉस्टली गाड़ियां होता है, और क्यों कुछ लोग 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से अभी तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं? ऐसा भी जानना जरूरी है, यस और नो? हर वक्त हम सवाल करते हैं दूसरों को, लेकिन आज मौका मिला है माय डियर फ्रेंड, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ये सवाल आप आज खुद को पूछ सकते हो, क्या मैं खुद इसका जिम्मेदार नहीं हूं?
एंड मैं एक चीज आपको बताऊंगा, सक्सेस इज नथिंग बट इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी माई डियर फ्रेंड्स. आपकी परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, इसी तरह आपकी लाइफ का हर चीज के लिए यू आर अकाउंटेबल. एंड आपकी सक्सेस के लिए यू आर ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल माई डियर फ्रेंड्स. अगर आप आज खुद बदलते नहीं हो तो कल अगर वही स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहेगा. यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी कि मैं जुड़ गया तो मोदी के बिजनेस में लेकिन फिर भी मैं कुछ बन नहीं पाया. लेकिन फिर भी आप खुद को सवाल कर सकते हो, क्या मैं तब परिवर्तन बा चेंज होने के लिए तैयार था क्या? आज देखो दुनिया में जैसे जैसे सिचुएशंस बढ़ता जाता है, राइट, फैमिली में आज की डेट में जैसा जैसा सिचुएशंस बढ़ता जाता है, अगर हम खुद बदलेंगे नहीं तो गारंटी नहीं है फ्रेंड्स हम कुछ बनेंगे लाइफ में. एक मैं सिनेरियो बता रहा हूं, एट द एज ऑफ 65, राइट, 65 साल की उम्र में आप देखोगे दुनिया भर की लोगों का सिचुएशन, राइट. कभी आपने सोचा है कि हाउ विल बी माई फाइनेंशियल लाइफ आफ्टर 60, हाउ विल बी माई फाइनेंशियल लाइफ आफ्टर 65? क्या 10 साल पहले हम भी पैसों के लिए फाइट कर रहे थे, 10 साल पहले भी हम स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं? क्या गारंटी है कि 10 साल के बाद भी हम फ्री हो जाएंगे? और सिचुएशन देखिए, आफ्टर द एज ऑफ 65 इस दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, राइट, जो 54% ब्रोक एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स. डू नो व्हाट इज फाइनेंशियली ब्रोक, राइट फ्रेंड्स. जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, हमको सारे लोग बताते थे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. हम किया, फिर अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ाई करो, हम अच्छा पढ़ाई किया. और सारे लोग बताए नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी, हम नौकरी भी किया. लेकिन किसी ने नहीं बताया कि नौकरी करना है तो बच्चा इतना बड़ा पैसा कमाना है, किसी ने नहीं बताया. स्कूल में हमको बताते थे 60% मार्क रखोगे तो आप फर्स्ट क्लास मिलेगा, 45% मार्क में सेकंड डिवीजन, 35% मार्क में कम से कम आप पास तो हो जाओगे. लेकिन हमारे पापा मम्मी टीचर्स कोई भी हमको नहीं बताया मैं मेहनत करोगे तो मिनिमम तो 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, नहीं तो लाइफ में आप फेल हो जाओगे. इस दुनिया में जो मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा उतना नहीं कमा पाते, लेकिन पैसों के लिए रोज स्ट्रगल करते हैं, पैसों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो लोगों को ब्रोक किया जाता है और डिपेंडेंट पीपल कहा जाता है. इस दुनिया में जब एट द एज ऑफ 65 यू विल फाइंड मोर देन 54% पीपल इन दिस वर्ल्ड, दोज आर नोन एज ब्रोक एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स, राइट. क्या आप चाहते हो ऐसा लाइफ? क्या आप भी चाहते हो वही फाइनेंशियल ओरिज हमारी लाइफ में रहे और हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बने? अगर आपको यह चीज मंजूर है तो चेंज होना कोई जरूरी नहीं है. अगर यह सारी ओरिज आपके घर में आज भी है और कल भी आप अगर मंजूर है, राइट, तो आपको चेंज होना कोई जरूरी नहीं माई फ्रेंड्स, राइट. और उसके आगे देखें तो आर द 34% पीपल, राइट, दे आर डेड. जिंदगी भर मेहनत किया, पैसा कमाया, उतना खुशी जिंदगी में उन लोगों ने पा नहीं पाए, जब रिटायरमेंट किए दुनिया छोड़ के निकल गए. यस, कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ को एंजॉय करने से पहले भगवान को प्यारे हो जाते हैं. क्या ऐसा लाइफ हमको चाहिए? और देखोगे इस दुनिया में ऐसे सिर्फ आठ दस जब 65 5% लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग आज भी मेहनत करते हैं. कभी कभी देख के उनको हम लोगों को दुख लगता है कि 65 एज में वो बंदा अगर काम कर रहा है, राइट, ये बुजुर्ग लोग काम करते हैं तो फिर लाइफ को एंजॉय कब करेंगे? ये कब तक ऐसा चलता रहेगा कि हम जिंदगी भर ऐसे पैसों के पीछे भागते रहेंगे, राइट. तो एक मैंने किताब पढ़ रहा था, उसी किताब में उसी ऑथर ने लिखा है कि 40 साल के बाद अगर पैसों के लिए काम करते हो तो यू आर इन ए रॉन्ग डायरेक्शन माई डियर फ्रेंड. अगर 40 साल के बाद पैसा आपके लिए काम करता है तो यू आर इन ए राइट डायरेक्शन माई डियर फ्रेंड. और इंडिया में होता क्या है, हम तो यहीं पर लोगों को सिखाते हैं आफ्टर 40 लाइफ बिगिंस, यस और नो. और सारे लोग हमको सिखाते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो. कोई नहीं सिखाए पैसा कितना कमाना है, कोई नहीं सिखाए लाइफ को कैसे जीना है, कोई नहीं सिखाया लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, किसी ने नहीं सिखाया. लेकिन ऊपर से और भी एक चीज सिखाया, जितना बड़ा चादर उतना पैर फैलाओ, यस और नो. ये कंप्रोमाइज मेंटेलिटी, ऐसी कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट मेंटेलिटी आज हमको हर वक्त मारता है, हर वक्त मारता है. एडजस्टमेंट कंप्रोमाइज को हम लोगों ने आज हमारा रिश्तेदार बनाया, लेकिन खुशी को सैक्रिफाइस किया. कितने लोगों को अपनी खुशी सैक्रिफाइस मंजूर है? अगर अपनी खुशी सैक्रिफाइस मंजूर नहीं है तो आपको लाइफ में क्या चाहिए? चेंज. और उसके आगे देखो, सिर्फ 4% लोग एट द एज ऑफ 65 दे बिकम फाइनेंशियल फ्री.
और सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो वेल्दी पीपल कहते हैं, वेल्दी पीपल जो अपने विरासत के लिए कुछ करते हैं, दुनिया में रहे या ना रहे लेकिन अपने विरासत के लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, दे आर द 1% पीपल, वेल्दी पीपल। अगर इसी सिचुएशन में अगर हम खुद को नहीं चेंज करेंगे, हमारी लाइफ 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के बाद कहां पर पहुंचेगी? क्या हम जिंदगी भर ऐसे मेहनत करते रहेंगे और एंड ऑफ द लाइफ हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बने? जब रिटायरमेंट लिया फिर दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारे हो जाएंगे? एंड सबसे बड़ा चेंज जो हमको आज की डेट में चाहिए, द बिगेस्ट एट्रीब्यूट फॉर योर सक्सेस, डू नो व्हाट इज दैट? विलिंग टू चेंज, चेंज होने का इच्छा। अगर आपके पास चेंज होने की इच्छा है, राइट, ये आपके सक्सेस के लिए सबसे बड़ा एट्रीब्यूट हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज चेंज आप बाई चॉइस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं अपने आप को चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ चीजें होते हैं जो अपने आप चेंज होते हैं, आपका उम्र बढ़ता जाता है, यस और नो, ये ऑटोमेटिक होता है। और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी ऑटोमेटिक होता है बाई चांस, लेकिन वेल्दी फाइनेंशियल फ्री, राइट, बाई चॉइस आता है लाइफ में। और चेंज, कोई भी चेंज आपको लाइफ में चाहिए, अच्छी चेंज, देन उसको बाई चॉइस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाई चांस होते होते हो जाएगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो HHH कैटेगरी में आते हैं, होते होते हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। सक्सेस तो होते होते नहीं होता है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज बाई चॉइस, नॉट बाई चांस माय डियर फ्रेंड्स। जो चेंज आपको चाहिए वो चेंज होता है आपके थॉट, आपकी सोच में बदलाव। आज हम सोच को नहीं बदलते हैं, वही पुराना सोच आज हमारे दिमाग में चल रहा है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं वही काम हम अगर करते रहेंगे तो जिंदगी भर हमको वही चीज मिलता रहेगा जो आज हमको मिल रहा है। एग्री और नॉट एग्री? इट इज आवर ओनली थॉट दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ को चेंज करना, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सोच को आज हमको चेंज करना है। अमीर बनने का सोच नहीं है कि जिंदगी भर गरीब रहे, जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे, जिंदगी भर फाइनेंशियल ओरिज में रहे, राइट। इसी सोच में आप कभी सक्सेसफुल, कभी भी अमीर नहीं बन सकते, कभी भी चैंपियन लाइफ में नहीं बन सकते माय डियर फ्रेंड। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेंज योर थॉट। लेकिन आप सोचोगे तो सोच को कैसे चेंज करें? आपकी सोच को आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले देखो कि रोज आप किस लोगों के साथ बैठना उठना होता है। क्या वो जो लोगों के साथ आप बैठना उठना करते हो, क्या वो लोग विजनरी पीपल हैं? क्या वो लोग ड्रीमर्स हैं? क्या वो लोग सक्सेसफुल हैं? क्या वो लोग प्रोग्रेसिव हैं? क्या वो लोग ग्रोइंग पीपल है दुनिया का? अगर आपकी जवाब हां है तो राइट एसोसिएशन, अगर आपकी जवाब ना है देन यू आर ऑलवेज इन ए रॉन्ग एसोसिएशन। हम सुबह उठते हैं, हमारा सोच कैसे पैदा होता है? हमारी सोच कम पैदा होता है, दुनिया वालों की सोच हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। हम सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कैसा सोच दिमाग में जाता है? नेगेटिव। और ज्यादातर लोग देखोगे वो न्यूज चैनल खोल के बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, अपने दिमाग में गंदगी डालते रहते हैं, गंदगी डालते रहते हैं, गंदगी डालते रहते हैं। आज के बाद अगर आप उसी लोगों के साथ आप मिलोगे, बैठोगे, घूमोगे, दोस्ती करोगे, जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग विजनरी है, जो लोग ड्रीमर है, जो लोग पैसा कमाते हैं, जो लोग प्रोग्रेसिव है, जो लोग ग्रोइंग है, तो आपको साथ क्या होने वाला है? आपका कैसा सोच डेवलप करेगा? अगर आप रोज जाके उन लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो जो साइकिल में आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं, कभी कार का सपना नहीं देखे, तब आप किसके बारे में बात करोगे? कार के बारे में कभी बात कर सकते हो? अगर आप उन लोगों के साथ बैठना उठना है जो आज 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 लाख करोड़ का गाड़ी में जाते हैं आते हैं, राइट, तब आपकी कैसा सोच बिल्ड होगा? जबरदस्त सोच बिल्ड होगा। कभी भी आइए मोदी का कोई भी लीडर के साथ मिलिए, यहां पे लीडर लोग 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की बात करते हैं और कमाते हैं, राइट। हमारी जो अपलाइन गाइड मेंटर जो आज की डेट में 20-22 लाख से ज्यादा पैसा कमाते हैं, अगर इन लोगों के साथ आप मिलोगे तो कैसा सोच आपके पैदा होगा? आप कभी छोटे इनकम के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपकी नजर में लोग हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 100 लोग ऐसे हैं जो आम आदमी थे लेकिन आज कुछ अलग बने हैं और आज भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख महीना कमाते हैं, तो आपकी सोच चेंज हो जाएगा। और आप इसी लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना आपका होता है जो लोग 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख गाड़ी में जाते हैं, तो आपका कौन सा सोच डेवलप होगा कि मुझे भी एक 5 लाख 10 लाख 20 लाख का गाड़ी चाहिए, राइट। आपकी जो सोच होता है, ये जो थॉट प्रोसेस चलता है, बहुत टाइम हमारी एसोसिएशन के कारण होता है। हम किसी के पास जाते हैं समझाने के लिए, हम किसी के पास जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन होता क्या है, अगर कोई हमको नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में डाल देता है, हमारे पास अपने इतने बड़े नहीं होते हैं,
हमारी सपने चूर चूर हो जाते हैं। अगर हम उठना बैठना उन लोगों के साथ होगा, हमारी सोच में चेंजेस होगा, हम दूसरों की सोच में चेंज ला सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, द बिगेस्ट एट्रीब्यूट फॉर योर सक्सेस इज विलिंग टू चेंज। एंड हमारी कंपनी के जो फाउंडर, हम सारे लोगों की गॉडफादर, राइट, हमारे चेयरमैन एंड द मोस्ट विजनरी पर्सन इन इंडिया इज मिस्टर समीर मोदी। उनका यह मानना है कि अपना सोच बदलो, खुद को बदलो, अपनी दुनिया अपने आप बदलती जाएगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, राइट, मैंने कार के बारे में मेरा बहुत बड़ा वीकनेस था, राइट, मैं साइकिल में जब मोदी केयर शुरू किया, मेरे पास साइकिल था, राइट, और फिर मैंने देखा कि साइकिल में घर घर घूमने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग भी मुझे रिसीव नहीं करते, साइकिल में आके सपना दिखा रहा है, तो मैंने फिर साइकिल बंद किया, पैदल जाके लोगों के घर घर जाके प्लान दिखाया। शुरुआत जब मैंने मोदी केयर बिजनेस कर रहा था तब मेरे पास बाइक नहीं था, लेकिन तब मैं सपने देख रहा था कि लाइफ में 5-7 लाख का गाड़ियाँ हो सकता है। और तब मेरे अपलाइन मेंटर गाइड मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, राइट, और ऑनरेबल ग्लोबल ब्लैक डायमंड, उनके पास इंडिका गाड़ी था। मैंने सोचा था कि लाइफ में एक इंडिका तो जरूर हो जाएगा, लेकिन मेरा सोच इंडिका तक चला गया क्योंकि मेरे अपलाइन के पास इंडिका गाड़ी था, राइट। और मैंने जब पहला गाड़ी 2005 में मैंने लिया सेंट्रो गाड़ी, राइट, जब मेरा गाड़ी चेंज हो गया, मेरे अपलाइन की गाड़ी चेंज हो गया, और मेरे अपलाइन की गाड़ी गया हो गया होंडा सिटी हो गया, अंडरस्टैंड। तो मैंने देखा अपलाइन तो यहाँ तक आए तो मैं भी यहाँ तक आ गया था, अभी अपलाइन होंडा सिटी ले गए तो फिर मेरा भी होंडा सिटी आ सकता है, अभी मैं अपना गाड़ी में आया हूँ। और मेरे अपलाइन अभी क्या चल रहे हैं, 60 लाख की मर्सिडीज बेंच में चल रहे हैं, अंडरस्टैंड। अभी मेरा सोच भी चला गया है कि मैं भी कल जागुआर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ही चढ़ सकता हूँ। ये सोच में चेंज होता है क्योंकि मेरा एसोसिएशन वैसा है, मेरे पास वो एसोसिएशन है जो हर वक्त ग्रो करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है। क्या आप लोग चाहते हो कि वो चेंज आपकी लाइफ में? और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में चाहिए जो आपको चेंज करना पड़ेगा, वो होता है नॉलेज। आप खुद को एक सवाल कर सकते हो, आज जितना मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, और जितना मैं पैसा कमाता हूं, राइट, उसी पैसे के लिए उतना नॉलेज काफी है, यस और नो? कि लाइफ को पूरा चेंज करने के लिए, राइट, क्या ये नॉलेज आपके काम पे आएगा? और बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा भी मैसेज है कि स्टडी इज ओवर एंड लर्निंग इज ओवर। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड माय स्टडी इज ओवर, नो मोर टू गो फॉर द स्टडी अगेन। लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, बोलना शुरू करते हैं, देख मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं, यस और नो? एंड माय डियर फ्रेंड, लर्निंग इज ए मस्ट। अच्छा, आपको पता है दुनिया में ज्यादा बड़ा पैसा कौन कमाता है? ERN ज्यादा कौन करता है? जिसके पीछे L लगा हुआ रहता है, जिसके पास छोटा L है उसका अर्निंग छोटा है। और थोड़ा L को बड़ा करो, और थोड़ा अर्निंग बड़ा करो, और थोड़ा L को बड़ा करो, और थोड़ा अर्निंग बड़ा करो, और थोड़ा L को बड़ा करो, और थोड़ा लर्निंग बड़ा करो। जितना बड़ा L बड़ा करोगे, लर्निंग बढ़ाओगे, उतना बड़ा पैसा, उतना बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है। और लर्निंग करने के लिए, माय गॉड, व्हाट ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म यू विल गेट ओवर हियर। You will find your successful upline. They are having tremendous knowledge and experience to guide you every time. So, mind your friend, यहाँ पे कोई beautician होगा और बहुत सारे ladies लोग हैं जो beautician बनना चाहते हैं, और beautician बनने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है training लेने के लिए? कभी 20,000 से शुरू होता है, 20-30-50, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में beautician के training लेते हैं। अगर आपको doctor बनना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? ज्यादा लाखों में पैसा देना पड़ेगा आपको। अगर MBA, अगर आपको मैनेजमेंट स्टडी करना है तो आपको लाखों में रुपया देना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो आपको लाखों में पैसा देना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बनोगे। सो थैंक्स बोला अपनी अपलाइन को। आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको मिलियनेयर बिलियनेयर बनाने के लिए एक ही पैसा चार्ज नहीं करते, फिर भी सिखाते रहते हैं, एंड दे आर आवर अपलाइंस। सो माय डियर फ्रेंड, लर्निंग जरूरी है। And thanks to Modi Care, thanks to all the greatest leader of Modi Care, right? You will find so many leaders in Modi Care all across the country, all across the states, जिनके पास आज knowledge है, experience है, सिर्फ knowledge नहीं है, जो लोग experience भी उनके साथ है, जो लोग आपको हर वक्त guide करेंगे कैसे successful बनोगे। लेकिन उनके knowledge लेने के लिए change किसको होना पड़ेगा? खुद को होना पड़ेगा, माय डियर फ्रेंड, राइट? नॉलेज बढ़ाओ, अपनी लर्निंग बढ़ाओ। आपकी अपलाइन, आपके लाइनअप स्पॉन्सर में, आपको जिसने स्पॉन्सर किया, उसके ऊपर कोई अपलाइन, कोई भी अपलाइन होगा जो आपको गाइड करने के लिए तैयार होगा। लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा वो चेंज के लिए, जो चेंज आपके नॉलेज में होना जरूरी है, राइट? एंड और एक चेंज, सबसे बड़ी चेंज होता है एटीट्यूड में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हम खुद बदलेंगे नहीं,
कि योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर अल्टीट्यूड. आपकी एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपके लाइफ में कितने ऊपर आप जाना चाहते हो. अगर आपके पास ऑर्डिनरी एटीट्यूड है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, क्रिटिसाइज करने की एटीट्यूड है, कंडेम करने की एटीट्यूड है, तो आप कहां तक लाइफ में जा सकते हो. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर वक्त जब भी मिलते हैं कंप्लेन करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कंडेम करते रहते हैं. ऐसा नहीं चलेगा. अगर आम आदमी की लाइफ जीना है तो करते रहो. अगर दुनिया में कुछ खास बनना चाहते हो, दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, लाइफ में लोग आपको सम्मान करें, इज्जत दें, दिल से आइडियल आपको माने, तो आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा. कंप्लेन, कंडेम, क्रिटिसाइज को आज के बाद लाइफ में माइनस करो. उसी चीज को देखो जो आपको लाइफ में मिलता है. और यू मस्ट डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. हर वक्त जो जहां पे आपको कुछ अच्छा मिला है उनको थैंक्स बोलो, उनको जाके थैंक्स बोलो. दैट एटीट्यूड मस्ट हैव. हर किसी के बेस्ट विशेष अगर आपकी साथ होता है तो लाइफ में आप बहुत तरक्की करोगे. और ये बेस्ट विशेष तब आएगा आपकी लाइफ में जबकि एटीट्यूड आपकी सही होगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा आपके पास. एंड स्किल, आज हम 5 साल पहले जैसे बात करते थे आज भी वैसे बात कर रहे हैं. हमारी बातों में कुछ चेंज नहीं हुई है, राइट? आज भी हम लोगों के पास जाते हैं फिर वापस आते हैं. और कोई इंसान जाता है और कोई मोदी करके कंसल्ट जाता है लेकिन वहीं पे उनको जीत के आता है. हम हर जगह पे हार के आते हैं क्योंकि हमारे पास वो स्किल नहीं है. अब जब रेगुलरली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करोगे, रेगुलरली आप एजुकेशन सिस्टम में रहोगे, फिर आपको क्या मिलेगा? आपका स्किल डेवलप होगा. एक बार आपका स्किल डेवलप हो गया, दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको हराने के लिए. और आप हर वक्त विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो. सो माय फ्रेंड्स, ऑलवेज बी इन एजुकेशन मोड, ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, एंड ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर इन लाइफ, ताकि हमारा स्किल बेहतर बिल्ड हो जाए और हम भी लाइफ में एक चैंपियन बन जाए. और ये स्किल राइट बिल्ड करने के लिए आपको भी मोदी केयर में जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिलेगा. और कोई ट्रेनिंग मीटिंग में जाके बैठ जाओ, लीडर कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे और कोई लीडर हो, मैं मायने नहीं रखता, लेकिन हर किसी से हम सीखते हैं. तो कहते हैं व्हेन ए स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स. अगर आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हो, दुनिया में हर किसी आदमी से आप सीख सकते हो. हो सकता है कि बाहर में जाके कोई वेजिटेबल भेंडर से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, लेकिन सीखने की वो इच्छा, वो एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, ताकि आपके अंदर वो जो स्किल होगा वो स्किल धीरे 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 बदलता जाएगा. एंड आप एक चैंपियन के रूप से 1 साल 2 साल के बाद आप आओगे. और सबसे बड़ी बात है, जो चेंज हमको हमारी लाइफ में चाहिए वो चेंज होता है हमारी हैबिट्स. हम सारे लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सा सुंदर सा बॉडी हो हमारा, यस और नो? ऐसा एक्स्ट्रा टॉमी ना हो, हम ओवर वेट ना हो, ऐसे सारे लोग चाहते नहीं चाहते. कितने लोगों को पता है कि रोज वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, राइट, कुछ वर्कआउट करने से हमारा फिगर अच्छा रहेगा? कितने लोगों को पता है? माय गॉड, एवरीबॉडी नोज, राइट? लेकिन कितने लोग कर रहे हैं? सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं. हम 7 बजे उठते हैं, राइट, 6:30 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, वो मंजूर है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा हेल्थ हो, राइट? हम चाहते हैं, लेकिन 5 बजे उठना वो चेंज मंजूर नहीं है, इसलिए हम वो चेंज खुद के अंदर ला नहीं पाते हैं. और वो जो हैबिट होता है ना, तो वो हैबिट आपके ऊपर हावी हो जाता है और धीरे धीरे हम जो जो भी चीज चाहते हैं उसी चीज को हम पा नहीं पाते. सो हैबिट किसको बोलते हैं? कोई भी चीज आप बार बार लगातार बार बार लगातार करते हो, जब तक ये आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक ना हो जाए उसको हैबिट कहते हो. आप आज सुबह 7 बजे उठे, कल सुबह 7 बजे उठे, परसों सुबह 7 बजे उठे, फिर 5 दिन के बाद 7 बजे उठे, ऐसे बार 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 7 बजे उठे. और ऐसा एक दिन आएगा 7 बजे से पहले आप उठ ही नहीं पाओगे, बिकॉज इट हैज बिकम ऑटोमेटिक. यस और नो? एंड फ्रेंड्स, जान बुझ के डेलिबरेटली यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स एवरी डे. आज अगर हमारे पास कंप्लेन करने की एटीट्यूड है, वो एक हैबिट में बदल चुका है. बार बार कंप्लेन किया, बार बार कंप्लेन किया, बार बार कंप्लेन किया, बार बार क्रिटिसाइज किया, कर करके अभी हम कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइज करने का एटीट्यूड जो है, हैबिट जो है, हम लोगों ने हमारी अंदर बिल्ड कर चुके हैं. और हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं मोदी केयर में, हम रोज, राइट, हम 1 लाख कमाऊंगा, जब भी प्लान दिखाते हैं, राइट, हम दिखाते हैं कैसा
कि हम 1 लाख आप कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, राइट? बोल बोल के खुद समझते हैं हमको भी 1 लाख रुपया चाहिए, और फाइनली हम भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाते हैं हम, और रोज ऐसे ऑर्डिनरी ड्रेस में आने का हैबिट हमारा हो गया। कहीं भी जाते हैं ऑर्डिनरी, कहीं पर जाते हैं ऑर्डिनरी ड्रेस में जाते हैं, और सक्सेसफुल होने के लिए हमारे कपड़े भी चेंज नहीं हो पाता है, राइट? बिकॉज वो भी हैबिट हो चुका है। लेकिन सारी चीज़ को हम डिलिबरेटली चेंज करना जरूरी है। और कुछ एक्सेसरीज आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग जब जाते हैं कहीं पे चाय पीते हैं, कुछ खाना खाते हैं और जेब से पैसा निकाल के देते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है। डाउनलाइन के सामने खड़ा होता है, अपना पर्स निकालता है, वो पर्स फटा हुआ होता है, और डाउनलाइन मनी मन समझ लेता है, क्योंकि हम वी स्पीक मोर बट डिलीवर लेस, राइट? हम ज़्यादा बात करते हैं लेकिन करते कम हैं। लेकिन डाउनलाइन को पता चल जाता है कि ये बात तो बड़ा करता है लेकिन फटा हुआ पर्स अपनी जेब में रखता है। कभी कभी जूता निकाल के हम जाते हैं किसी के घर, तो उसमें सूर्यदेव चंद्रदेव का भी दर्शन होता है आपकी शख्स में, होता है? नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बेल्ट पहन के आते हैं जो 1947 में शायद उन्होंने खरीदे थे, राइट? उनको कैसे अच्छा लगता है मुझे पता नहीं। अपने एक्सेसरी चेंज करो, ये चेंज आपके अंदर जरूरी है, क्योंकि आपको एक बेहतर लाइफ चाहिए, आपको एक ब्राइटर एंड बिगर लाइफ चाहिए। अपना वॉकिंग ऑफिस लेके जाते हैं और ये वॉकिंग ऑफिस इतना गंदा दिखता है, इतना गंदा दिखता है, फिर वो जाके बोलते ना हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, और सामने प्रोस्पेक्ट सोचते हैं अगर प्रोडक्ट जबरदस्त है तो पहले अपना वॉकिंग ऑफिस साफ करो, फिर बाद में मेरे पास आओ। तो हम ये छोटे छोटे चीज चेंज नहीं कर पाते हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में बड़े बड़े वैल्यू ऐड नहीं हो पाते हैं, माई डियर फ्रेंड्स। सो दैट अपने एक्सेसरीज चेंज करो। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज होता है अटायर। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग, यस और नो? सो इंग्लिश में कहावत होता है कि व्हेन यू मीट ए मैन जज हिम बाय हिज ड्रेस, बट व्हेन यू लीव हिम जज हिम बाय हिज वर्ड्स। जब किसी के साथ आप पहली बार मिलते हो तो उनके कपड़े से आप उसको जज करते हो, एग्री और नॉट एग्री? तो कपड़ा चेंज होना जरूरी है, कपड़ा महंगी होना जरूरी नहीं है, आपके लाइफ चेंज हो जाएगा। आपके कपड़ा चेंज करो, लोगों के नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका कपड़ा चेंज करो, ताकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हो जाएगा। और जब भी ट्रेनिंग मीटिंग में आते हो अपने अच्छे कपड़े के साथ आओ, डियो स्प्रे लाओ, स्प्रे करो, और लोगों को दिखाओ कि एक सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं। और कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल बिफोर दे बिकम सक्सेसफुल। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो सक्सेसफुल होने से पहले वो मानसिकता, वो थॉट प्रोसेस, दैट एटीट्यूड एंड दैट अटायर, एवरीथिंग दे आर कैरिंग टू बिकम सक्सेसफुल। दुनिया में कोई बिजनेस में आए, कोई बिजनेस में ना आए, फर्क नहीं पड़ता। कोई बिजनेस करे, कोई बिजनेस ना करे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ इंप्रेशन हम देके आएंगे लोगों को, एंड व्हाट यू कॉल ए विन विन सिचुएशन। आज भी लोगों के पास वैसा स्टाइल में बात करने की नॉलेज नहीं है, और दिस इज द प्लेस वेयर यू विल कम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एंड यू विल बी इन ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोसेस, सो दैट 1 साल के बाद आप जो बात करेंगे ना, कहीं पे हार के भी आओगे लेकिन ऐसा इंप्रेशन छोड़ के आओगे, वो 2 साल के बाद भी कभी सोचेगा कि अगर कुछ करना है तो उसके साथ करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बिगेस्ट एट्रीब्यूट फॉर योर सक्सेस इज विलिंग टू चेंज, राइट? एंड माय डियर फ्रेंड्स, विश यू अ ग्रेट प्रोग्रेस, great prosperity and a great success in your life. So thank you very much.